हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स पल्स। गाइस, हमने सबसे पहले इकोनॉमी के पेपर सॉल्व किए थे। इकोनॉमी में मैंने आपको पढ़ाया था कि 2020 कौन से पेपर किए थे हमने इकोनॉमी में, 2023, 2022, 2021, 2020 एंड 2019। हमने इकोनॉमी के इतने पांच पेपर सॉल्व किए थे, उसके पीवाईक्यू के जितने भी थे, पीवाईक्यू सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए। वैसे मैंने आज साइंस एंड टेक के लिए भी मैं सारे सम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और इन क्वेश्चंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विथ लॉजिक एंड नॉलेज वो दोनों एक साथ कैसे अप्लाई करते हैं। आपने देखा कि प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत कम जा चुका है, बट फिर भी लोगों को मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो लॉजिक, ओके, उनकी जो भी नॉलेज होती है, नॉलेज के साथ साथ वो लॉजिक नहीं अप्लाई कर पाते। इधर वो लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं या फिर वो नॉलेज ये नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का सिंथेसिस चाहिए आपको अच्छे मार्क्स निकालने के लिए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आपको नॉलेज के साथ साथ लॉजिक भी कैसे अप्लाई करना है वो सिखाऊं। ओके, तो आज अगेन हम लोग क्या करें, हम लोग 2023, देन 2022, देन 2021, देन 2020, देन 2019, जितने भी साइंस एंड टेक के पेपर्स क्वेश्चंस आ रखे हैं मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि लॉजिक और टेक्निक के बारे में। ओके, आपके पास नॉलेज तो है बट उसके साथ साथ आपको लॉजिक अप्लाई करना है। तो अगर आप देखोगे ना, आपको यूपीएससी में पांच टाइप के स्टेटमेंट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो जनरल टाइप। जनरल टाइप मतलब ना, कोई किसी का सगा नहीं होता यहाँ पे, सब मिलजुल के रहता है, ऐसे समझो। जनरल टाइप मतलब ना, वो स्टेटमेंट रॉन्ग होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी जनरलिस्टिक की होती है वो, कोई उसमें कुछ भी फैक्ट नहीं होता। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि जनरल टाइप की क्वेश्चंस कैसे होती है, बस आप फिलहाल यहाँ पे याद रखो कि फर्स्ट होती है जनरल टाइप स्टेटमेंट। देन होती है एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम में क्या आता है, ओनली, ओके, नेसेसरी, देन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग। ओके, ये होते हैं आपके एक्सट्रीम स्टेटमेंट। देन डेटा और फिगर, उसमें डेटा होता है, फिगर होता है। जैसे पिछले बार क्वेश्चन आया था कि इंडिया के पास 2.3% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट है, दैट इज अ डेटा, ओके, फिक्स क्वेश्चन। देन इसके बाद फैक्ट्स आता है, फैक्ट्स आता है कि ये चीज़ ये बंदे ने करी है, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ समझो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज की है ये स्कीम। तो ये हो गया फैक्चुअल स्टेटमेंट, ये चीज़ इसने की है, ये हो गया फैक्ट बेस। एंड होता है एप्लीकेशन बेस। एप्लीकेशन बेस ना मोस्टली करेक्ट हो जाती है। ओके, एप्लीकेशन बेस में क्या होता है, कैन ज़्यादा यूज करते हैं, एक पॉसिबिलिटी जनरेट करते हैं। ओके, यहाँ पे तो जनरल स्टेटमेंट कैसी होती है, कैन होता है उसमें, पॉसिबल ऐसे वर्ड्स होते हैं, देन मोस्ट ऑफ दी, वन ऑफ दी, ये होते हैं जनरल स्टेटमेंट। ओके, अब बस इतने पांच स्टेटमेंट याद रखिए। मैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टेटमेंट कैसी है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर पेपर, कुछ यूपीएससी का 2023 का पेपर, चलो। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ओके, दिस क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या लिखा है सबसे पहले, कि कार्बन फाइबर आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्पोनेंट यूज इन द ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। ओके, अब देखो कार्बन फाइबर्स बेसिक साइंस है, आपको कार्बन फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले पांच साल से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ऊपर। आपको नहीं पता फिर भी मैं आपको नॉलेज लॉजिक लगा के सिखाऊंगा। आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्पोनेंट्स, अब बताओ ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट है, उसके कॉम्पोनेंट बनाने में कार्बन फाइबर यूज कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि कार्बन फाइबर ओनली, नहीं। तो ये हो जाती है जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें कुछ एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, तो जनरल स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कार्बन फाइबर वंस यूज कैनॉट बी रिसाइकल्ड, ये आ जाएगी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एटलीस्ट 1% तो हो सकता है, समझो ये 100% है कार्बन फाइबर, ठीक है, एटलीस्ट ये 5%, 10% इतना तो रिसाइकल हो सकता है ना, और कैनॉट बी रिसाइकल्ड ये एक्सट्रीम हो जाएगा, तो माई आंसर विल बी ओनली ए। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस, क्या लिखा, इन हाउ मेनी द अबव एक्शन इज फंक्शन ऑफ एक्सीलेटोग्राफर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड,
ओके एप्लीकेशन बेस्ड एक्सेलेरोग्राफर का एप्लीकेशन बोला है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। यस एयरबैग ऐसे ही होते हैं ना, यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम है? नो, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टूवर्ड द ग्राउंड विच रिजल्ट इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। ओके फंक्शन ऑफ एसीलोरोमीटर। ओके तो ये एप्लीकेशन है, एटलीस्ट ये 1% तो हो सकता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो यूज हो सकता है। तो जब भी एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं तो उसका आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव मारना है। ओके ये एप्लीकेशन बेस्ड है और इसमें कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं दे रखा है जैसे कि हमें यहाँ पे दिखा था कार्बन फाइबर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेफरेंस टू द रोल ऑफ द बायोफिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके बायोफिल्टर्स के बारे में बात करें, बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड्स। ओके प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग, तो फिल्टर का काम ही होता है ना गंदगी निकालना, तो कॉमन सेंस से ये ट्रू हो जाएगा, नन हटेगा। बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अब देखो बायोफिल्टर, फिल्टर का काम होता है कुछ ना कुछ तो, ठीक है वो क्या बोल रहा है, अमोनिया से नाइट्रेट वो कर देता है। ओके चलो ये स्टेटमेंट होल्ड पे रखते हैं, मुझे पता नहीं है। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फरस एज ए न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। ओके बायोफिल्टर फॉस्फरस कम करेगा या बढ़ाएगा, पहले तो ये सोचो। इंक्रीज बोला है ना, जब भी यूपीएससी बोलेगा इंक्रीज और डिक्रीज, वहां पे आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। अब सोचो फॉस्फरस अगर ये न्यूट्रिएंट बढ़ाएगा, बायोफिल्टर क्यों बढ़ाएगा ये, बायोफिल्टर ये तो कम करेगा फॉस्फरस। एक जगह पे अमोनिया बोल रहा है नाइट्रेट, एक जगह फॉस्फरस बोल रहा है। ओके तो मोस्टली यहाँ पे फॉस्फरस कम करेगा, जरूरी नहीं है ना। और ये क्या बोल रहा है, कन्वर्ट बोल रहा है प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ये पॉसिबल है ना, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि हम लोग ने अलग से डाला है। फिश वेस्ट में अमोनिया होता है तो उसी को कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका आंसर विल बी ओनली 2। ओके देन नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है ये होगा आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है ना, उससे ये क्वेश्चन आ रखा है। सिफाइड्स जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, न्यूबिला स्टार विद ब्राइटेंस एंड डिम पीरियोडिकली, एंड पल्सर न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टेट रन्स आउट ऑफ फ्यूल्स एंड कोलैप्स। अब समझो न्यूबिला तो सबने पढ़ा है, क्या होता है जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड ये होता है जो हमने एनसीईआरटी में 11 के पढ़ा है, तो मुझे पता है न्यूबिला इज नॉट दिस, तो ये तो गलत है, तो दिस इज अ फॉल्स, तो मेरा ऑल 3 गया। इसके बाद मुझे दिख रहा है कि न्यूबिला की स्टेटमेंट ये है। ओके न्यूबिला की स्टेटमेंट ये है, तो अभी यहां पे क्या करूंगा मैं, अगर स्टेटमेंट ये है तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा, तो क्या देन ओनली 2 भी चला गया। अब रह गया पल्सर, न्यूट्रन स्टार डैट आर फॉर्म्ड विद मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। ठीक है पता है कि ये गलत है एंड ये गलत है, बाय माय लॉजिक जैसे मैंने मैच द फॉलोइंग का लॉजिक बोला था, अगर 3 स्टेटमेंट होंगे 1, 2 एंड 3, इसके आगे 1, 2 एंड 3, तो कभी भी आपका नन और ओनली 3 कभी नहीं होगा, इट माइट बी ओनली 1 और ओनली 2। अब मुझे पता है कि ओनली 2 तो नहीं होगा क्योंकि 2 मेरे गलत है, तो उस लॉजिक से मैं ओनली 1 मार के आऊंगा, अगर आपको पल्सर पता है या नहीं पता है, बट दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ओके चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव देयर ओन सैटेलाइट सिस्टम, विच ऑफ द कंट्री हैव देयर ओन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है अब बोला है, अब दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो पता है, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता। ओके तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया कैनेडा इजराइल एंड जापान, यहाँ पे जापान के पास अपना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है नहीं तो नहीं, जैसे रशिया के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है एंड यूएस के पास है। ओके और यूरोपियन यूनियन के पास है गैलीलियो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेलेंट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट व्हाइल क्रूजर मिसाइल आर अ रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। अब क्या बोला, ओनली बोला है, ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ द फ्लाइट, हो सकता है नहीं हो सकता है मुझे नहीं पता। और देखो कैसा होता है बैलिस्टिक मिसाइल, समझो ये आपका टारगेट है, यहां से मिसाइल आपने लॉन्च की, तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाएगी और क्रूजर मिसाइल ऐसे जाएगी। ठीक है अब बोला है कि बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेलेंट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट।
अब मुझे बताओ, यहां तक ये चली गई तो नीचे आने के लिए भी क्यों उनको स्पीड देंगे? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्टेटमेंट है वो एक्सचेंज कर रखी है। बैलिस्टिक मिसाइल को ये वाले ऑप्शन दे दी और क्रूजर मिसाइल को ये वाला। ओके, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूजर मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बेसिक आपको बस पता होना चाहिए। जब भी आप डिफेंस करते हो आप वहां पे ब्रह्मोस पढ़ते हो। जैसे यहां पे इन्होंने इंटरचेंज कर रखा है, इन्होंने यहां पे भी इंटरचेंज कर रखा है, ब्रह्मोस इज अ मल्टी रेंज सुपरसोनिक क्रूजर मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है वो, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, तो यहां से आपको क्या सीख मिली, यूपीएससी अगर दो डेफिनेशन देता है एक ही स्टेटमेंट में तो वो मोस्टली इंटरचेंज करता है, तो आपको ये याद रखना कि वो इंटरचेंज करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पोल्यूशन। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इज अ सोर्स बोला है, बोला है कि मेजोरिटी ऑफ द सोर्स, मैक्सिमम सोर्स नहीं, सोर्स बोला है, सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, तो दिस कैन बी ट्रू। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉजेस मर्क्यूरी पोल्यूशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो जनरल स्टेटमेंट कि बोला है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट बस मर्क्यूरी पोल्यूशन करता है, सो जनरल है ना। क्या बोला कि कोल बेस्ड सिर्फ ओनली कोल बेस्ड पावर प्लांट ओनली कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन, नहीं, तो वो फिर वो एक्सट्रीम में आ जाती, देर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। ठीक है, सही बात है। मुझे एक बात बताओ, मर्क्यूरी जो हम लोग के थर्मामीटर में है, वो मर्क्यूरी अगर थोड़ी सी भी हमारे मुंह में चली गई तो वो क्या हो जाता है, वो डैट इज वेरी मच डेंजरस टू आर सेल्फ। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी इतनी इतनी अगर आप में मर्क्यूरी चली गई, विच इज अ गुड थिंग, को आपको कुछ नहीं होगा। सो देर इज नो सेफ लेवल, तो कोई सेफ लेवल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दिख रहा है आपको एक्सट्रीम है, बट अगर आप जनरल लॉजिक, जनरल कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो ये भी आप कवर कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा ऑल थ्री। अब देखो, ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड। विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग, इट कैन यूज डायरेक्टली एज अ डायरेक्ट फ्यूल, इट कैन बोला है ना, मतलब वो कर सकता है नहीं कर सकता अलग बात है, बट बोल सकते हैं वो कर सकता है, वो कर रहा है क्या नहीं वो अलग बात है, वो बोल रहा है कि कर सकता है, इट कैन बी यूज, देन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन अगेन, इट कैन बी ब्लेंडेड, यस इट कैन बी ब्लेंडेड, इट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज। ओके, तो इसके लिए कैन पॉसिबिलिटी आ जाते हैं, योर आंसर विल बी सी। जैसे हम लोग ने इकोनॉमी में भी देखा था ये कैन वाला। अब देखो, वोल्बाचिया मेथड इज समटाइम टॉक अबाउट द रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जब भी ऐसे चार क्वेश्चन होते हैं ना, चार स्टेटमेंट, अब समझो कि यूपीएससी जो पेपर सेटर है उसकी साइकिक जान लो। ठीक है, सबसे पहले वो राइट ऑप्शन डालेगा, फिर उसको मैच करते करते रॉन्ग ऑप्शन डालेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुना, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए। एक बार क्या होता है, अकबर जो है ना, अकबर बिलबर की बुद्धिमत्ता को चेक करना चाहता था, तो वो क्या करता है, अपने राज्य से उसके जैसे दिखने वाले 10 लोगों को बुला लेता है। ठीक है, तो पूरे कितने, उसको मिला के 10 लोग हो जाते हैं, 9 लोगों को बुला लेता है, उसको मिला के 10 लोग हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, और उसी की तरह सेम कपड़े पहन के आते हैं सब लोग, किंगडम में उसके दरबार में, अकबर के दरबार में खड़े होते हैं, और बीरबल को बोलते हैं कि भाई बताओ इसमें से असली अकबर कौन है। अब वो इतने रेप्लीकेट कर रहे थे एक दूसरे को, लिटरली 99.99% वो सब सेम दिख रहे थे। बिरबल थोड़ा टाइम सोचता है, बोलता है कि ये जो 7 नंबर का बंदा है ना, वो है असली राजा। ठीक है, वो है असली किंग, तो और वो सचिन में निकलता है असली किंग, तो जो ये होता है, ठीक है, कौन होता है, जो अकबर होता है। सही बात है, बोलता है, अरे ये तो सही है, तुमने कैसे पहचाना मुझे, जरा बताओ कि तुमने बिल्कुल कैसे सही पहचाना मुझे। ठीक है, तो अकबर बोलता है कि सिंपल है, जो आप हो ना, आप सिर्फ अपने में लगे हुए थे, और बाकी के जो जितने भी लोग थे ना, वो आपको देख के आपकी तरह बिहेव करने का कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, नकली हमेशा असली को फॉलो करेगा। तो वैसे ही यूपीएससी का जो पेपर सेटर जब क्वेश्चन सेट करेगा, ओके,
जब क्वेश्चन सेट करेगा सबसे पहले ओरिजिनल आंसर रखेगा और उसको रेप्लीकेट करते हुए, उसको कॉपी करते हुए बाकी का ऑप्शन सेट करेगा। बस इतना जान लो और अब देखो ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ओके चलो, वॉलबेच मेथड समटाइम टॉक्स अबाउट विद द रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस स्प्रेड बाय द मस्किटोज, कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यू इंटू पैकेजिंग मटेरियल, प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें ये थोड़ा टफ जा रहा है। आपको कुछ दिख रहा है क्या कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीजें आ रही है आपको यहाँ से? कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, कन्वर्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोड्यूसिंग और प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब देखो कि इसका आंसर तो ऑब्वियसली ए है, बट इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसे। ओके, बट 12 में से 10 जगह तो लॉजिक लगेगा। ये आपके नॉलेज के बेस पे निकालोगे तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, एरियल मेटाजिनोमिक बेस्ट रेफर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एरियल मतलब क्या? एयर से रिलेटेड है। मेटा मतलब क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड जीनोम क्या है? जेनेटिक से रिलेटेड है। अब ये सारी चीजें यहां पे कौन से ऑप्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है? देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल सैंपल फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडीज, एयर से रिलेटेड है, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड नहीं है कुछ भी, ये हटा दिया। यूजिंग एयरबोन डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल, एयरबोन डिवाइसेस एयर से रिलेटेड है। ठीक है, टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल, तो मूविंग एनिमल क्यों बोलते? एवियन एनिमल बोलते, तो ये भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशी ऑफ अ हैबिटेट। ठीक है, अब देखो जेनेटिक यहां पे वर्ड आ रहा है और एवियन स्पीशीज के बारे में आ रहा है, बस वो अंडरस्टैंड क्यों करेंगे? कुछ तो काम करेंगे ना, अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड करके कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम द एयर इन हैबिटेट, इन हैबिटेट एट वन गो। अब देखो इसमें और एक चीज देखो, इन हैबिटेट, इन हैबिटेट। ठीक है, मतलब इधर ये दोनों में से एक ही है। यहां से मुझे पता लग रहा है कि ये डीएनए से रिलेटेड है, जेनेटिक से रिलेटेड है, तो यहां पे जेनेटिक डायरेक्टली आ रखा है बट डीएनए सैंपल कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। अब देखो, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रो सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट अर्थ के बाजू में घूमता रहता है, तो और डीएनए से रिलेटेड भी है, तो मुझे ऐसे कुछ ढूंढना है। स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। ओके, स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यू, ये तो नहीं है, ये प्यूरिपोटेंट सेल वगैरह उस टाइप का है। प्रोमोटिंग क्लोनर प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट। ओके, सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे। एड्रेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग बाय कंडक्टिंग स्पेशल ऑफ ट्रायल्स इन द पॉपुलेशन, ये भी नहीं है, तो इन सब में ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ओके, तो इससे आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 2023 के 12 क्वेश्चन आए थे, हमने उसमें से 10 क्वेश्चन लॉजिक से करा दिए। चलो नेक्स्ट, अब ट्राई करेंगे 2022। ओके, 2022 के क्वेश्चन होंगे अब हमारे। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द अबाव आर बिल्ट ऑन अ टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर किसने बनाए हैं? ओके, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल, डिजीलॉकर एंड लक्ष एंड दीक्षा। ओके, अब यहाँ पे देखता है, अब आपको पता होना चाहिए ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। मैं बताऊंगा नहीं, बस मैं सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करने का यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर एंड दीक्षा। दीक्षा हो सकता है, ऑब्वियसली दीक्षा कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, तो मैंने ये हटा दिया, तो 444 अब मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो 3 तो मेरा है ही। अगर मेरा डिजी लॉकर बन सकता है तो ऑब्वियसली आरोग्य सेतु और कोविन भी बन सकता है, क्योंकि डिजी लॉकर इज मोर सिक्योर देन आरोग्य सेतु एंड कोविन। सो माई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, विद रेफरेंस टू द वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3.0 अनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, अनेबल बोला है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, जनरल। देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन द नेटवर्क, कैन बी बोला है ना, पॉसिबिलिटी आ गई है, तो मेरा ऑप्शन नंबर आइदर इट विल बी ए और इट विल बी डी।
वेब 3.0 ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रादर देन कॉरपोरेशन, इसमें भी कुछ एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, वेब 3.0 ऑपरेट बाय यूजर्स कलेक्टिवली, अगर यहाँ पे बोलता है वेब 3.0 ऑपरेट बाय कॉरपोरेशन, अगर कॉरपोरेशन वो यूज करता तो ये थोड़ा सा डिक्टेटर की तरह नहीं होगा, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं फ्रीडम फंडामेंटल राइट कहाँ पे कटल नहीं होगा, ठीक है, कि यार ये सारी ये चीज़ें ये कवर कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ राइट्स चाहिए। सो माई आंसर विल बी डी। थोड़ा लॉजिकली भी सोचना चाहिए हमें इसमें। विद रेफरेंस टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास बायर कैन कस्टमाइज, कैन बोला है ना, सो इट कैन, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कैन एक्सेस देन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो मुझे पता है वन एंड टू मेरा राइट है। अब जब भी आपको ऐसे तीन एग्जाम्पल मिले ना या फिर चार एग्जाम्पल मिले ना, तो वो हमेशा स्टेटमेंट राइट होगी, ठीक है, वो हमेशा स्टेटमेंट राइट होगी, तो आंसर विल बी डी। और मैं आगे और एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, मैं बताऊंगा कि जैसे जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं ना, दो तीन तीन चार एग्जाम्पल्स, तो वो मोस्टली आपके कोई आंसर राइट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम। देखो ऑर्बिटल बोला है मतलब ये घूमेगा, पक्का घूमेगा, बोम्बार्डमेंट मतलब बॉम्ब से रिलेटेड है। अब देखो, अब मुझे दो चीजें पता चली, एक तो ऑर्बिटल दूसरा बोम्बार्डमेंट। आपको देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च इन टू द स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोडिंग इन द स्पेस, यहाँ पे बोम्बार्डमेंट है, बट ऑर्बिटल का कुछ हिंट मिला का नहीं मिला। अ स्पेसक्राफ्ट लैश्ड ऑन द अनदर प्लैनेट फॉर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल, नहीं ये स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड नहीं है, तो बोम्बार्डमेंट क्यों है। अ मिसाइल पुट इन टू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स और टारगेट ऑन द अर्थ, यस इसमें ऑर्बिट भी है और बोम्बार्डमेंट से रिलेटेड भी है, सो आंसर विल बी सी। और ये तो है ही नहीं, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है, ठीक है। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेक्स्ट ऑफ द क्यूबिट्स इज मेंशन, आपको पता होना चाहिए क्यूबिट इज रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग, फैक्चुअल है, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, अगर नहीं पता है तो क्यूबिट क्वांटम ये कर लो। अब देखो, शॉर्ट रेंज कौन सी है, क्लोज सर्किट टीवी सीसीटी, यस रेडियो फ्रिक्वेंसी। आपके पास जब टोल जाते हो, टोल से क्या करते हैं, आरएफआई करते हैं ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि जो टोल से जो टोल प्लाजा पे आपका क्या बोलते हैं वो स्कैन करते हैं स्कैनर, ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, बट जिससे आपके पैसे कटते हैं, ठीक है, वो होता है। देन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क भी शॉर्ट रेंज में होता है, लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ी लॉन्ग रेंज में होता है, सो आंसर विल बी डी। देखो, बायोफिल कैन कैन कैन, आग बंद करो, डी मार दो, बाकी का छोड़ दो। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ओके, द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोबायोटिक आर फाउंड इन द फूड वी डाइजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन द गट। अरे प्रोबायोटिक गट में नहीं होगा क्या, गुड बैक्टीरियाज होते हैं हमारे गट में, एंड नॉट नेचुरली ऑकर इन आवर गट, मतलब ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, टू हटा दो, टू हटा दो, तो वन तो मेरा ऐसे ही ट्रू हो जाएगा। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, यार हेल्प्स बोला है ना, बोला नहीं ना कि बस वही करता है, बट हेल्प बोला, इट कैन हेल्प, सो माई आंसर विल बी सी। अब देखो, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, समझो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तीन फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, एंड ये भी फैक्ट है। अब ये समझो, आपका जो ऑप्शन ए बी सी डी, नन ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री, आपका ना कभी भी नन नहीं होगा एंड ऑल थ्री नहीं होगा, आपको ओनली वन और ओनली टू में ही आंसर मिलेगा, और तीनों फैक्चुअल में से आपको सबसे पहले एक फैक्चुअल स्टेटमेंट हटानी है। वो कैसे हटाओगे, वो जिसमें जिस स्टेटमेंट में ज़्यादा फैक्ट है ना वो हटाओगे, ओके, क्योंकि वो ज़्यादा रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये सॉल्व करो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड 19 वैक्सीन, ये फर्स्ट फैक्ट हो गया, नेम कोविशील्ड ये सेकेंड फैक्ट हो गया, यूजिंग mRNA ये थर्ड फैक्ट हो गया, स्पुटनिक 5 इज अ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये एक ही फैक्ट हो गया, कोवैक्सीन इज अ इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। अब मुझे पता है कि इनमें से एक तो गलत होनी है, ऑल थ्री तो कभी नहीं होगा क्योंकि तीनों भी फैक्चुअल है,
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट है ना उसमें ज्यादा फैक्ट है, तो मैंने वो हटा दी, सो माय आंसर विल बी बी। देन नेक्स्ट, इफ मेजर ऑफ अ सोलर स्टॉर्म रिचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ? ओके, देन सुनामी कुड ऑकर एट द इक्विटोरियल, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, इंटेंस अरोरा ऑकर ओवर ओवर मच ऑफ द अर्थ, फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। हाँ, अब देखो, अब इसमें से क्या करो ना, जनरल निकालो, जनरल स्टेटमेंट कुड फेल तो ये होगी जनरल स्टेटमेंट, कुड डैमेज ये हो गई जनरल स्टेटमेंट, कुड टेक प्लेस ये हो गई जनरल स्टेटमेंट, कुड ये हो गई जनरल स्टेटमेंट, शॉर्ट रेडियो ऑफ द ओवर पोलर रीजन कुड ये होगी जनरल स्टेटमेंट। देखो 1, 3, 5, 6, 7, अब देखो कौन सी है, 1, 3, 5, 6, 7, वन ऑल तो कभी नहीं होगी, ठीक है, ऑल तो कभी नहीं होगी, इतने में ऑल कभी नहीं होगी, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, यहाँ पे 4 हो रहा है, 6, 7, मतलब 4 की जगह 5, 1 नहीं है यहाँ पे, 1, 2, 4 ये भी नहीं है, तो 1, 3, 5, 5 क्या है मेरी, मच ओवर दी, टेक प्लेस मच ओवर द प्लैनेट, तो मच ओवर दी एक्सट्रीम ज़्यादा हो जाएगा, और 4 क्या है मेरी, इंटेंस अरोरा कूड ऑकर, यस यहाँ पे मच ओवर दी अर्थ, मतलब माई आंसर विल बी सी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे किया। Which one of the following statement best describe the role of the B and T cell in the human body? They protect the body from the environmental allergies. They ameliorate the body pain and inflammation. They act as an immunosuppressant in the body. They protect the body from the diseases caused by the pathogens. ठीक है, अब देखो, अब क्या करो ना, अब दो statement ऐसे ढूंढो कि जो similar है। मुझे दिख रहा है कि option number A and option number D similar। तो ये हटा दो, ये हटा दो। इम्यून सप्रेसेंट क्या होता है वैसे मैं बता देता हूँ, अगर कभी आपको कभी आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इम्यून सप्रेसेंट क्या होता है ना, कि समझो आप एक आपके बॉडी में अपने एक नया ऑर्गन या फिर एक पैथोजन डाल दिया, ठीक है, पैथोजन नहीं, कुछ वायरस वगैरह आ गया या फिर कुछ नई चीज़ आ गई, तो इम्यून सप्रेसेंट जाएंगे वहाँ पर उस चीज़ को मारेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इम्यून सप्रेसेंट बहुत इशू होता है जब भी आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि इम्यून सप्रेसेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तभी आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट लेते हो ना, आपको इनको साइलेंस करना पड़ता है, इम्यून सप्रेसेंट को। इसके वजह से जिसका भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसको एलर्जी से ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उसे एलर्जीज होना हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी वहां पे फिर वर्क नहीं करता, बॉडी का मैकेनिज्म। ओके, चलो आगे बढ़ते, तो बी एंड सी तो पक्का नहीं है, बी और टी सेल बोला है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एनवायरमेंटल एलर्जेंस और दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द कॉज बाय द पैथोजेंस, तो यही होगा, क्योंकि बी एन टी सेल यही करता है ना, उनका काम ही यही है, पैथोजन से बचाओ, डिजीजेस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अदर देन दोज मेड बाय द ह्यूमन नैनो पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो हमें पता ही कैसे चलता कि नैनो पार्टिकल कुछ तो है करके, तो ये हो गई एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये मैंने हटा दिया। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज, सम बोला है ना, सम मतलब हो सकता है, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, तो 2, 3 है, तो इसके हिसाब से मेरे 2, 3 हो गया। अब यहाँ पे भी देखो, सम कमर्शियल प्रोडक्ट, सम बोला है मतलब समझो कि मेरे पास 100% कमर्शियल प्रोडक्ट है, उसमें से समझो कि मेरे 5% एटलीस्ट 1% भी होगा ना, फिर भी सम में आ जाएगा, सो इट इज अ जनरल स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट, डीएनए बारकोडिंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू assess the age of the plant and animal, distinguish between animal that looks alike, and identify undesirable plant and animal material in the processed food. अब मुझे पता है कि all three correct नहीं है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन सी एक ऐसी चीज है वो ज्यादा correct हो सकती है, ठीक है, कि सबसे बोला है कि assess the age of plants and animals, distinguish between among species that look alike. Yes, ये तो डीएनए कर सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, डीएनए से पता चलेगा ना कि कौन किसका है, तो माय आंसर विल बी आइदर 1 and 2 और 2 and 3, 1 and 2 और 2 and 3, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन द प्रोसेस फूड, ओके, एंड एक्सेस द एज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। डीएनए से एज मिलता है क्या कभी,
बताओ मुझे, नहीं मिल सकता डीएनए से एज? तो ऑब्वियसली, तो अगर डीएनए आपके पास है तो अनडिग्रेडेबल एनिमल और प्लांट्स मटेरियल प्रोसेस फूड में यूज़ किया आप वो कर सकते हो। तो मतलब कॉमन सेंस यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा मोस्टली। ओके, तो चलो लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच एक्सेस ऑफ द अबाउ द एनवायरमेंटल कॉजेज एसिड रेन। एसिड रेन 2000 पहले भी एक पीवाईक्यू में आ रखा है, ठीक है। बेसिक है नाइट्रोजन एंड सल्फर, सॉरी नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर इज 2 और 4। आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा है, इसको मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये कॉमन सेंस से नहीं, ये नॉलेज से हो जाएगा इजीली। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पेपर 2021, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा। जब भी तीन तीन नहीं चार और मोर देन चार आएंगे ना स्टेटमेंट्स, तो उसका ऑल ऑफ द अबाव कभी नहीं होगा, यूपीएससी ने हटा दिया। ओके, तो चलो अब करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेक्टेड कॉजेस न्यूरो न्यूरो डिजेनरेशन प्रॉब्लम, ठीक है। न्यूरो मतलब दिमाग से रिलेटेड है। आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टेव, पावर प्लांट एंड टेलीफोन लाइन्स। तो मैंने ऐसे बोला कि ये हटा दो, ठीक है। अब मुझे पता है, ठीक है, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स हो सकता है, इससे पॉपुलेशन हो सकता है। माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स, अब देखो ये कितनी एक्सट्रीम जा रही है, जस्ट माइक्रोवेव स्टोव की वजह से न्यूरोजेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है क्या, कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 3 मैंने हटा दी, तो 3 हटा दी, तो मुझे आंसर डायरेक्टली 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। टेलीफोन लाइन तो हर जगह है, पावर प्लांट से तो होगा ही होगा, पावर प्लांट से होगा ही होगा। ओके, अगर आप ऐसे भी जाते, ठीक है, पावर प्लांट से होने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि पावर प्लांट बड़े होते हैं, तो मुझे पता है कि ये तो नहीं है, और मुझे पता है कि 4 होना चाहिए, तो आंसर आई थी 1, 2, 4 एंड 3, 2, 4। ओके, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 4, 1, 2, 4 एंड 3, 4, 5। तो ये क्यों नहीं हो सकता, और ये माइक्रोवेव विद इन होम ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता, तो आंसर विल बी बी। देखो, विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट, रिकॉम्बिनेंट वायरस वैक्सीन इज अप्लाइड, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड बोला है ना, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ये जनरल है, ये अप्लाइड बोला है, क्योंकि आर यूज एज अ वेक्टर बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अरे बैक्टीरिया एंड वायरसेस कौन सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसे बोलते हैं क्या बैक्टीरिया एंड वायरसेस ओनली, या फिर वायरसेस ओनली, या फिर बैक्टीरिया ओनली, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होती, तो इसका आंसर होगा सी। अब देखो, इन विट्रो फर्टिगेशन, इन विट्रो फर्टिगेशन, ठीक है, ये आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, 2017 में क्वेश्चन आया था, 2021 में क्वेश्चन आ रखा है, तो ये अगर आपने पढ़ के जाते तो आपका हो जाता। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, पासिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड, कैन बी प्रिवेंटेड, तो ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। चाइल्ड इनहेरेंट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम द मदर नॉट फ्रॉम द फादर, आपको लगेगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसका आंसर 1 एंड 2 होगा, क्योंकि यही सच है भाई साहब, फादर से कुछ नहीं होता, मदर से ही पूरा आता है। बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्निक आर मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, देखो बॉल गार्ड बोला है, ठीक है, क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ओके, अब ये देखो, क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। वॉलबेचिया कहाँ गया हमारा, पैकिंग, ये प्रोड्यूसिंग द बायोथर्मल, इसमें ना कहीं पे था क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप, हाँ प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट। तो ये क्लोनल प्रोपोगेशन क्या होता है ना, अब ढंग से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शंस में बहुत यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन
क्या लिखा है? डेवलपिंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, प्रोड्यूसिंग ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बॉल गार्ड वन एंड बॉल गार्ड टू अगर नहीं सुना तो नहीं सुना, नहीं तो आपको नहीं हो सक याद नहीं हो सकता। डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स, तो इसका आंसर बी है। ओके, क्लोनल प्रोपोगेशन ये हमेशा ऑप्शन में यूज करता। इसमें कुछ लॉजिक नहीं था, अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता। जहाँ पे लॉजिक लगेंगे मैं वहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, एरिया ऑफ लीड इन द होल इन द लीड। अब देखो, अगर प्रेशर कुकर है, अगर लीड का होल बड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा रिलीज होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, अब फ्लेम का टेम्परेचर क्या ही मैटर करेगा, और फ्लेम का टेम्परेचर मोर और लेस गैस का कितना ही होगा बताओ मुझे। तो ऑब्वियसली ये तीन स्टेटमेंट तो कभी नहीं होंगे, तो मुझे पता है तीन में से एक है। वेट ऑफ द लीड, अब वेट ऑफ द लीड ऐसा होगा कि अगर जो लीड है पतला होगा, तो ऑब्वियसली अगर पतला होगा तो वो क्या होगा, तो वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा वो बर्तन, ठीक है। बट अगर वो मोटा होगा तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, गर्म होगा अंदर की भाप। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्टर्ड आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम। आपको पता है बैक्टीरिया कर सकते, फंगस कर सकते, वायरस नहीं कर सकते, वायरस को एक होस्ट बॉडी चाहिए रहती है। तो इसका आंसर विल बी 1 और 2। अब देखो डीएनए कैसा होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इतना तो पता है। ये डीएनए होता है, ये आरएनए होता है। एडिनो वायरसेस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अरे एडिनो वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। वेरे रेट्रो वायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये स्टेटमेंट हटा दो। कॉमन कोल्ड समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी बोला है, तो समटाइम बोला है, दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट। कॉज बाय एडिनो वायरस, वेरस इट्स कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस, तो जनरल आंसर विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट। वाटर कैन बी डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन द एनी ऑफ द अदर लिक्विड बिकॉज, आप देखोगे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, ठीक है। लॉजिक अप्लाई करोगे और लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा बिकॉज इट इज डाइपोलर इन नेचर, इसका यही आंसर है। अब यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होगा। विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रीट लाइटिंग, बताओ कि सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम द एलईडी लैम्प्स। सबसे पहले फैक्चुअल है, तो ऑल थ्री कभी नहीं होगा, सो इट आइदर 3, 2, 1 और 3। अब देखो, सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन द 360 डिग्री, बट नॉट सो इन द केस ऑफ द एलईडी लैम्प। अगर आप सोडियम लैम्प जलाते हो जो कि आपके रोड पे होते हैं, तो वो 360 डिग्री में देता है ना, और एलईडी लैम्प जहाँ पे दिखता है उसी तरफ देता है, तो 1 तो होना चाहिए, तो आंसर डायरेक्टली मुझे 1 मिल रहा है। एट द स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन द एलईडी लैम्प, ठीक है। मुझे पता नहीं होगा या नहीं, बट मुझे पता है कि सोडियम लैम्प बहुत पहले आ रखे, एलईडी लैम्प अभी आ रखे। अगर एलईडी लैम्प अभी आ रखे तो वो एडवांस हो गए सोडियम लैम्प से, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा लाइफ स्पैन देंगे। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम द सोडियम इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक, वेल एलईडी लैम्प ऑफरिंग वाइब्रेंट कलर एडवांटेज टू द स्ट्रीट लाइट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। मोनोक्रोमेटिक ही होती है ना, और एलईडी अलग अलग कलर्स दे सकते हैं, कॉमन सेंस यार, कुछ नहीं अलग है इसमें। अब देखो H2 जीन्स इंट्रोड्यूस इन द जेनिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये तो आपको पता नहीं, ये तो IRNS है, ठीक है। रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, अब ये भी पता है आपको, ये नहीं है H2, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होता, तो फिर ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड में आता क्वेश्चन, ये साइंस में नहीं जाता। स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज, अब मुझे पता है कि जीन्स इंट्रोड्यूस इन द जेनिफिन, आइदर वो ये जीन्स होंगी या फिर स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज होगी। अब आपकी श्रद्धा, आप जहाँ पे ले सकते हो तुक्का ले सकते हो, अब मेरा हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। दिस इज अ PYQ स्टेटमेंट, ओके PYQ। BPA अ कॉज ऑफ कंसर्न नेचुरली कंपोनेंट इन द स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्लास्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक, इट इज अ पॉलीविनिल क्लोराइड, ओके। डायरेक्ट है, अगर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, कोई बात नहीं। ट्राइकोलसोन कंसिडर हार्मफुल वेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन द
फूड प्रिजर्वेटिव, फूड राइपनिंग, रीयूज एंड टॉयलेटरीज। देखो, फूड राइपनिंग सब्सटेंस हो सकता है, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर छोड़ दो, ठीक है। क्या बोला, कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू द हाई लेवल ऑफ लॉन्ग टाइम, हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन फूड राइपनिंग सब्सटेंस एंड फूड फूड प्रिजर्वेटिव एंड टॉयलेटरीज, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टफर साइड पे था, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, तो आंसर इज टॉयलेटरीज। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स। डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। आपको पता है, आपने पढ़ा रहेगा रेड शिफ्ट फिनोमिना एंड ब्लू शिफ्ट फिनोमिना, ठीक है। तो जो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, यही तो हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना, इनका यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। अरे ग्रेविटी तो चेंज होती है ना भाई साहब। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो आपका ब्लैक होल है जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, और समझो कि बाजू में इससे लाइट पास हो रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, ओके, वो लाइट अंदर सक कर लेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में कहाँ जा रही है, तो स्पीड ऑफ ए लाइट इज ऑलवेज सेम। ये स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम, इसकी वजह से हम लोग स्पीड में कैलकुलेट करते हैं, ओके। चलो गाइस, 2020 भी, 2021 भी हो गया, अब 2 साल के पेपर रह गए हमारे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा हमारा ये वाला लेक्चर भी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंट एडवांसेस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज, देखो जैसे मैंने कहा था, 2021 में भी आया था, 2017 में भी आया है, एंड 2019 में भी, 2020 में भी आ रखा है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। फर्टिगेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, जेनेटिक मॉडिफाइशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, डेवलपिंग ऑफ स्टेम सेल इंटू फंक्शनल एम्ब्रियोज, ये भी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस, यस, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि अगर ऑल ऑफ द अबव कभी नहीं रहेगा, यूपीएससी आजकल ऑल ऑफ द अबव हटा देगा। अब इसमें से देखो, विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मुझे बताओ, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल, अच्छा ये तो कर सकता है, ये उसका काम हो सकता है, तो आइदर 1, 2, 3, 5 एंड 1, 2, 3, 4। डिजीज डायग्नोसिस पॉसिबिलिटी है, तो 3 तो ट्रू भी है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, ये तो इजीली कर सकता है, तो मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, 1, 3, 4 एक ही जगह है, तो माय आंसर विल बी बी, ठीक है। अब यहां पे देखो, विद रेफरेंस टू द लाइट, विद रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जब भी ऐसे आपको रेंज मिलेगी ना फैक्ट और फिगर में, फैक्ट में आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड फिगर में आपको एक रेंज देंगे। अगर आपको रेंज मिल गई तो इसका आंसर वो ट्रू होगा। तो 1 इज देयर। वीएलसी इज द नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यहाँ पे नैनोमीटर में बात कर रही है या फिर लॉन्ग रेंज बोल रहा है, भाई कैसे पॉसिबल है, शॉर्ट रेंज होना चाहिए ना। तो ये हटा दो, 2, 2, 2 हटा दिया, आई विल गेट द आंसर सी। अगेन ब्लॉकचेन, ओके, ब्लॉकचेन इजी क्वेश्चन, ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉक इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विद नो सिंगल यूजर कंट्रोल, ठीक है, जनरल है, कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं है, बट मुझे आइडिया नहीं है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉक चेन सच दैट ऑल डेटाबेस इट इज अबाउट द क्रिप्टो करेंसी ओनली। यार ब्लॉक चेन के कितने फायदे हैं, हेल्थ में कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं, इलेक्शन में कर सकते हैं, ऑब्वियसली सिर्फ क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं, तो 2 तो हट गया भाई साहब, तो 1 तो ट्रू है मेरा। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द फ्यूचर ऑफ द ब्लॉक चेन कैन बी डेवलप, कैन बोला है ना, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी, तो आंसर डी हो जाएगा। देखो सिंपल है, ज़्यादा कुछ देखूंगा नहीं, कैन है, कैन है, कैन है, क्या हो गया इसका मतलब, ये क्या हो गया, ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड, एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, सो आंसर इज डी। 1, 2, 3 कहाँ पे, यस आंसर इज डी, एप्लीकेशन बेस्ड। 5 है क्या, नहीं 3 ही है, 3 स्टेटमेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड मोस्टली ऑल 3 करेक्ट होगा,
स्प्रिंग इंसेक्ट, अगर आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचोगे आपको मिल जाएगा। ये मैं समझा देने बैठूंगा अभी, जो जो इजी क्वेश्चन है वो मैं नहीं समझाऊंगा, जो लग रहा है कि अच्छा ये समझाने लायक है। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, दो सिमिलर ऑप्शन देखो, सिमिलर जैसे ओरांग उटान, जैसे 2023 में था ना ओरांग उटान, और क्या था ओटर था सेकंड, इसमें क्या था उससे के नीचे हनी बी और वास। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सिमिलर देखो, लिसा पाथफाइंडर एंड ई लिसा, तो ये गया ये गया। अब मुझे पता है अगर आपको जो पता होगा तो ये इसका आंसर ई लिसा है, क्योंकि ये 2071 में भी आया था क्वेश्चन। कैन है, कैन है, कैन है, सो आंसर विल बी माई डी। आर इफेक्टिवली अगेंस्ट, आर इफेक्टिव बोला है ना, दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मैग्नेटिक। इफेक्टिव बोला, ऐसा बोला ना, क्योर 100% क्योर करता है, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। डिपेंडेंस एंड एंटीबायोटिक डेट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग, कैन बी रिड्यूस, यस कैन बोला, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द वैक्सीन हैज नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन, हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल, ठीक है, ये हो जाएगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट। में आंसर विल बी 1 एंड 2। इन इंडिया द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, फैक्चुअल है, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता। डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकम्युनिकेशन। सिक्योरिटी सिक्योरिटी पब्लिक की सिक्योरिटी से रिलेटेड ये हट गया, डिजिटल सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी के लिए क्यों बोलेंगे पब्लिक की के बारे में, और इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बोलेंगे। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन में जो फॉलोइंग कंटेंट द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ठीक है, ये जनरल है तो इसको मैं नहीं लूंगा। ओके आप कर लोगे इसे, इसमें कुछ लॉजिक है नहीं, अगर आता है तो आता है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फैक्टर एक्सपोजर टू द बेंजीन पोल्यूशन, 5 है, ऑल 5 तो कभी नहीं होंगे, तो इधर इट मे बी 1 2 3, 2 4 एंड 1 3 4। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वार्निशेस वुडन एंड यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ पोली इथिनिन। अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से बेंजीन पोल्यूशन आ सकता है, यस मोस्टली आ सकता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से कितने पोल्यूशन, कितने पोल्यूटेंट निकलते हैं, उसमें से वन ऑफ द ये भी रहेगा। तो अब मुझे पता है 3 तो पक्का है, वुड बर्निंग, तो आइदर 1 2 3 एंड 1 3 4, ये तो नहीं है। यूजिंग वार्निशेस वुडन फर्नीचर, ठीक है, अब देखो ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा कि हम लोग वार्निशेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं? टोबैको स्मोक में तो बहुत सारे पोल्यूटेंट निकालते हैं, तो उसमें से एक बेंजीन हो सकता है, ठीक है। तो माई आंसर विल बी 1 2 3। आपने एक ऑब्जर्व किया क्या, जो भी हम लोग घर में यूज करते हैं ना हाउस होल्ड चीजें, यूपीएससी इसको नहीं ले रहा है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना माइक्रोवेव यूजिंग एट होम, वैसे ही। चलो लास्ट क्वेश्चन हो गया, चलो 2020 भी हो गया, अब 2019 सॉल्व करेंगे एंड विल रैप अप आर टुडे सेशन। गला भी सूख गया यार, 1 घंटे से बोल रहा हूं ना। चलो ये खत्म करके आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दो होल्ड करो, मैं पानी पी के आता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ स्टिपुलेटेड एनवायरमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट।
इन वर्चुअल रियलिटी इमेज जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ और सराउंडिंग. ठीक है. एयर अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ द स्मार्टफोन. वी आर क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेस एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीटली इमर्जन एक्सपीरियंस. अब देखो यहाँ पे दे रखा है डेफिनेशंस और यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशंस. अब कंपेयर करो एप्लीकेशन और डेफिनेशन एक साथ जा रहे हैं क्या. एआर के बारे में क्या बोला है, अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली स्टर्ट. ओके. और वीआर के बारे में बोला है कि वीआर क्लोजेस द वर्ल्ड. ये हो गया ना अलग अलग. तो एप्लीकेशन इज ऑलवेज ट्रू. एप्लीकेशन तो ट्रू ही होगा, सही बात है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, डेफिनेशन इंटरचेंज कर रखी है. तो माय आंसर विल बी बी. द वर्ड डेनिसोवांस इज समटाइम्स मेंशन इन द मीडिया इज रेफरेंस टू द फॉसिल ऑफ अ काइंड ऑफ ठीक है डायनासोर एंड अर्ली ह्यूमन स्पीशीज अ केव सिस्टम फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द जियोग्राफिकल पीरियड. अच्छा इसका आंसर एंड अर्ली ह्यूमन स्पीशी है. ठीक है, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता. विथ रेफरेंस टू द प्रेजेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है. क्या पूछा है कि द फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाई जॉइनिंग द सेगमेंट. देखो कैन भी यहाँ पे भी आ गया, कैन यहाँ पे भी आ गया, कैन यहाँ पे भी आ गया, कैन यहाँ पे भी आ गया. मतलब चारों में से एक तो गलत होनी ही है. अब मुझे पता नहीं कौन सी गलत है. अब क्या लिखा है, डी से शुरुआत करते हैं. सेल टेकन आउट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल कैन मेड इनटू अंडरगो डिवीजन इन लेबोरेटरी एंड पेट्री डिशेस. कैन अंडरगो सेल डिवीजन. ठीक है. अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड ऑफ अ लिविंग सेल इन अ लेबोरेटरी. देन पीस ऑफ एन आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी. देखो डीएनए तो मुझे लग रहा है तीनों भी डीएनए से रिलेटेड है, तो आंसर उसी में होगा. ठीक है. तो देखो फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. मतलब डिफरेंट स्पीशीज से लेके फंक्शनल क्रोमोसोम तुम लोग रेडी कर रहे हो. ओके, वो पूछ रहा है. तो अगर मुझे एक बात बताओ, मतलब क्या बोल, फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं जा रहा है. ओके, तो आंसर विल बी ए. द पीसेज ऑफ आर्टिफिशियल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी. ये थोड़ा स्पेसिफिक बोल रहा है कि लेबोरेटरी में हो सकता है. अ पीसेज ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एनिमल आर मेड टू बी रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन अ लेबोरेटरी. ये भी हो सकता है. ओके, तो आंसर विल बी ए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड. एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट आइडेंटिफाई सर्टिफाइंग ऑथोरिटी इशूइंग इट इज यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन. नहीं, ये तो नहीं है. डिजिटल सिग्नेचर कैसा होता है ना, पता है ना, अगर आप एक डॉक्यूमेंट लेने गए तो यहाँ पे एक तहसीलदार की डिजिटल सिग्नेचर हो जाती है. ठीक है. द इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कॉन्टेंट इज अनचेंज. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. टू हट गया. इधर इट विल बी ओनली वन एंड ओनली थ्री. ठीक है. एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो नहीं है ये. डेट आइडेंटिफाइज द सर्टिफिकेट. रिकॉर्ड तो नहीं है. देखो एप्लीकेशन बेस्ड तीन दी रखे, मतलब ऑल ऑफ द अबव है क्या इसमें. ऑल ऑफ द अबव, यस ऑल ऑफ द अबव है इसमें. तो आंसर विल बी डी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. RNA interference technology has gained popularity in the past few years. It is used in developing the gene silencing therapy. Can bola hai. अब मुझे पता है all of the above तो है नहीं. ओके, all of the above तो है नहीं. तो इसमें से एक तो गलत होना ही होना है. अब मुझे ढंग से सोचना पड़ेगा कौन सा गलत हो सकता है. It can be used in developing gene silencing therapy. ठीक है, मुझे नहीं पता. It can be developing therapies for
डेवलपिंग थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इट कैन बी यूज डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट एंड दैट इज अच्छा देखो फोर इज वेरी मच कॉमन, RNAi से हो सकता है, तो इधर 1:4 and 4 मतलब 1:2 एंड ये, अब मुझे 2 and 3 में देखना है। इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज, मतलब थेरेपी डेवलप करने के लिए बोल रहा है, कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है। और यहाँ पे देखो, इट कैन बी डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो ये ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 1:4, थोड़े जनरल टर्म में सोचो। Recently, scientists have discovered the merger of the giant black holes billion of light years away from the Earth, which of the significance of the observation? Higgs boson particles were detected, gravitational waves were detected, possibility of intergalactic space travel. अरे ये तो ज़्यादा extreme हो गया। It enables scientists to singularity, ये भी extreme हो गया। अब UPSC ना gravitational waves से लेके बहुत obsessed है।